नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ विलेज इंडिया में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ विलेज इंडिया, मैं हूं सुनील जोगी। मौजूद है ब्रज, हम वृंदावन में मौजूद हैं। इस समय देखिए किस तरीके से ठाकुर रमण बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए लोग यहां खड़े हुए हैं और चारों तरफ जानेंगे इसे कहां से आना हुआ है। भाई साहब अलीगढ़ से आ रहे हैं हम। आप कहां से? अलीगढ़ से। दर्शन हो गए आपको? अभी जा रहे हैं बस दर्शन करने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, मन शांत शांति। अभी लगाइए ठाकुर जी का निवास स्थल है, यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है बस। जिस तरीके से और जानेंगे कहाँ से आई हैं आप? भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान से दर्शन हुए? हाँ अभी हुए सुबह से। कैसा लगा आपको? राधे राधे। परिक्रमा हो गई? हाँ हो गई। मन प्रसन्न है? क्या नाम है आपका? दीपिका शर्मा। और तो और दिखाएंगे, इधर देखिए चलते हैं जिधर बांके बिहारी जी का मंदिर, रमण बिहारी लाल जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं जहाँ लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, जो गैलरी आप देख सकते हैं, जो गैलरी है आप देख सकते हैं, ये है बिहारी लाल जी का मंदिर प्रवेश द्वार, जहाँ से सभी भक्त जा रहे हैं। और जानेंगे कहाँ से आए सर आप? फिरोजाबाद से। जी दर्शन हुए नहीं अभी? अभी नहीं, अभी जा रहे हैं। हाँ हो गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। देखिए जहाँ लाइटिंग जल रही है आप देख सकते हैं बिहारी लाल का मंदिर है। और भी भक्तों से जानेंगे, सर कहाँ से आए आप? जी मैं मोदी नगर गाजियाबाद से हूँ। मोदी नगर आ गया, कैसा लगा आपको बिहारी जी? बहुत अच्छा, मतलब यहाँ आकर के हमेशा सुकून ही मिलता है। और जितना मैं मानता हूँ यहाँ आने के बाद लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और बाकी तो आप जानते हैं सर, विशेष है जिस तरीके से लोगों में सैलाब है, रंग है और गुलाल उड़ रहा है। एकादशी का दिन, होली का महीना और होली आने वाली है, जहाँ मौजूद है सही व्यक्ति। एक देखिए भक्त, मिलेंगे सर कहाँ से आए आपको? हम मुंबई से आए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ के दर्शन किए आपने? हमने ब्रिज के किए, नंदगांव की लटमार होली देखी और राधा वल्लभ राधा की पिचकारी होली। दर्शन किए आपने? हाँ। परिक्रमा हो गई? परिक्रमा पेंडिंग है, वो कल कर देंगे। नाम क्या है आपका? किरण। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अद्भुत लग रहा है। जिस तरीके से पूरा कलर हो रखा है कपड़ों को, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत ही खुशी हो रही है, ऐसे लग रहा है कि हम राधा रानी के रंग में रंग। इससे पहले कब आए थे वृंदावन? पहली बार आए। अच्छा लग रहा है। और कौन है आपके साथ? ये सब हमारे साथ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। होली हो गई? अभी तो बाकी है। अभी बाकी परिक्रमा हो गई? परिक्रमा भी बाकी है, टाइम कहाँ है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अद्भुत लग रहा है। अच्छा, राधा रानी के दर्शन हुए? बहुत बढ़िया से हुए और राधा वल्लभ जी के भी दर्शन हुए। जिस तरीके से आप सराबोर हो गए रंग में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा। क्या इससे अधिक अभी होली बाकी लग रही है आपको? बहुत बाकी लग रही है, इधर कन्हैया की नगरी में बहुत होली बाकी लग रही है। हम सब आए हैं सूरत। नरेश है मेरा नाम। सूरत से, गुजरात। अरे बहुत बढ़िया, अद्भुत एकदम। अद्भुत बड़ौदा गुजरात से हम बता रहे हैं सर, भगवान सांवरे सेठ की दर्शन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो किस किस से होली खेली है जी? किस किस से होली खेली आपने? बस हमने तो भगवान के वहाँ से, पुजारी जी ने। बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसा लगा आपको? अरे बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे। होली हो गई राधे वल्लभ जी के साथ खेल के आए, अभी यहाँ पे बांके बिहारी के साथ खेलने आए। बहुत बढ़िया, अद्भुत। हम बड़ौदा गुजरात से आए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर उत्कर्ष। कहाँ से सर? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से क्या नाम है? अविनाश कुमार। ऐसे होली क्यों नहीं खेली आपने अभी? ऐसे हम थोड़ा परिक्रमा लगा के आ रहे हैं ना, अभी परिक्रमा लगा के आ रहे हैं, अब दर्शन करने बांके बिहारी जी के। चलिए सर, कहाँ से आ रही है आप? दिल्ली से। अद्भुत नजारा, लोगों को दर्शन करने का दीदार बांके बिहारी जी का दिखाते रहेंगे आपको। देखिए सर कहाँ से? सर अलीगढ़ से। क्या नाम है सर? मेरा लक्ष्मण प्रधान। ये लक्ष्मण सिंह डागोर स्वयं आए, हीरो की एजेंसी के मालिक वेशमा से पहुंचे, पूर्व प्रधान और जिला पंचायत सदस्य। जानेंगे इनसे सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। होली हो गई? हो गई, वृंदावन का मजा ही अलग है। मजा के आनंद 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 ही अलग है। परिक्रमा हो गई आपकी? हो गई हो गई। चलिए जय जय श्री, जय जय राधे, श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल दर्शन करने का दीदार है, ठाकुर बांके बिहारी जी के दीदार करने के लिए उत्सुक है। सर कहाँ से आए आपके? मैं औरैया से आया हूँ। क्या नाम है सर आपका? शंकर गुप्ता जी। कैसी महसूस कर रहे हैं आप ब्रज में आकर के? मैं ब्रज में आके हमेशा राधे में हो जाता हूँ और हमेशा राधे राधे की कृपा से आज जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, वो सब राधे की कृपा से हो रहा है। परिक्रमा हो गई सर आपकी?
नहीं, परिक्रमा मैंने नहीं की है, मैं आगरा से सीधे आया हूँ, यहाँ से वापस चला जाऊंगा। परिक्रमा नहीं करेंगे आप? नहीं, परिक्रमा नहीं, अब कृपा अगली बार होगी गोवर्धन महाराज की तो जरूर परिक्रमा करेंगे। वृंदावन की परिक्रमा अलग से है, वृंदावन की परिक्रमा, आज इतनी भीड़ है, इतना अच्छा लगा यहाँ पर आके, इतना अच्छा महसूस हुआ राधे, काश हमें भी यहाँ वृंदावन में जन्म मिला होता। क्या प्रेरणा देंगे युवाओं को जो है? हमेशा यहाँ से यही प्रेरणा मिलती है कि भक्ति में ही शक्ति है, बाबा की कृपा जब तक हमारे ऊपर रहेगी तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो वृंदावन में आके पहले हमारी जो संस्कृति है उसका हमें ज्ञान सर्वोपरि वृंदावन से ही मिलता है, और हमारे जो अभी नई सरकार का गठन हुआ है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी इस बार वृंदावन को एक नया स्वरूप देने की बात कही है। अब देखते हैं कि हम लोगों को कितना यहाँ क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हम लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं। ऐसे भैया सूरज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन हो गए यार। हाँ जी, परिक्रमा हो गई। हाँ जी, राधा रानी की दर्शन हो गए। हाँ जी, राधा रानी की जय। नमस्कार।